भागलपुर पुलिस विभाग से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। मंगलवार को भागलपुर के SC/ST महिला थाना के ऊपर बैरक में MT प्रभारी अभिषेक कुमार का फंदे से झूलता हुआ शव बरामद हुआ है, जिससे पूरे पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही DIG विवेकानंद, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी एवं FSL की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले को लेकर भागलपुर DIG विवेकानंद ने बताया कि भागलपुर के MT प्रभारी अभिषेक कुमार, जो गया जिले के जमरी मगध थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वह पुलिस लाइन में MT प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे। जब विभागीय कार्य के लिए उन्हें खोजा गया तो पता चला उनका दरवाजा बंद है। जब 11:30 बजे पुलिस जवानों द्वारा उनके कमरे के दरवाजे को तोड़ा गया तो वह पंखे से लटके हुए मिले। जबकि अभिषेक सुबह में लोगों से सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे। उसका भाई एग्रीकल्चर कॉलेज में नामांकन कराया है और उनसे भी उसकी बातचीत हुई है। 10:30 बजे DSP पुलिस लाइन से भी बात हुई है। सरकारी विभागीय काम के लिए जब उनकी खोजबीन तेजी से होने लगी तब पता चला कि वह अपने कमरे में बंद है और दरवाजा तोड़ा गया तो वह पंखे से लटके मिले। फिलहाल कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं FSL की टीम घटना के हर एक बिंदु पर गहन जाँच कर रही है। एक कुमार जो परिचारी MT परिचारी के रूप में भागलपुर जिला में पदस्थापित थे, इनके बारे में सूचना मिली कि करीब 11:30 बजे इनका दरवाज़ा बंद है और खुल नहीं रहा है, जिसके बाद यहाँ पर उपस्थित पुलिसकर्मियों के दरवाजे को तोड़ा गया तो अंदर से उनकी जो है उनका शरीर जो है पंखे से लटका हुआ पाया गया। प्राइमा फेसी जो है सुसाइड करने की घटना प्रतीत होती है। FSL को बुलाया गया है और इस संबंध में और भी चीज़ें जानकारी ली जा रही है। ये गया जिले के रहने वाले थे। क्या कारण लग रहा है सर अभी प्रथम? देखिए, इस स्टेज पे कुछ कहना संभव नहीं है कि वो किस मानसिक परिस्थितियों से गुजर रहे थे, लेकिन कल का घटनाक्रम हम लोगों ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश किया है, जिसमें पता चला है कि ये रात्रि गश्ती भी किए थे और उसके बाद सवेरे जो है इनकी कुछ जो यहाँ पे और अफसर रहते हैं उनसे बातें भी हुई है और इनका एक भाई जो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लिया है वह भी था यहाँ पर। उसके बाद करीब 10:15 बजे DSP पुलिस लाइन से इनकी बात भी हुई है, जिसके बाद इनका दरवाज़ा बंद था किसी सरकारी काम के कारण। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। FSL की टीम जब आ जाती है तो उनके साथ फिर हम लोग एक बार हर एक चीज़ का जो है निरीक्षण माइन्यूटली करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शव कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। भागलपुर के श्री गौशाला परिसर में श्री गुरु सेवा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ मंगलवार से हो गया। इसको लेकर भागवत कथा स्थल पर कलश स्थापित कर पूजन किया गया, जिसके बाद प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के प्रवचन की शुरुआत की गई। 4 दिसंबर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को लेकर जहाँ आयोजकों द्वारा कई प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, वहीं जया किशोरी के द्वारा भागवत कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे पंडाल में धार्मिक अनुष्ठान किया जाएगा, जिसके बाद शाम के 3:00 बजे से 7:00 बजे तक कथावाचक जया किशोरी के द्वारा भागवत का प्रवचन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बनारस से 51 पंडित को आमंत्रित किया गया है, जिनके द्वारा पूरे विधि विधान से पूजन किया जाएगा। वहीं भागलपुर में भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जया किशोरी सोमवार की रात्रि ही सड़क मार्ग से भागलपुर पहुंची, जहां आयोजकों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इधर मंगलवार को पंडाल में जहां कथावाचिका के मंच पर पहुंचने के बाद उनका स्वागत करते हुए पूजन एवं आरती की गई, वहीं पूरा पंडाल देश की चर्चित कथावाचिका जया किशोरी से प्रवचन सुनने के लिए आतुर दिखाई दिया। इस दौरान पूरा माहौल भागवत कथा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रंग में रंग गया। भागलपुर
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत असियाचक नवीन टोला में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार अजय कुमार के द्वारा अवैध रूप से देर रात सरकारी अनाज वाहन में लादकर बेचने के लिए ले जाने का मामला सामने आया है। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वाहन में लदे सरकारी अनाज को जब्त कर थाना लाया। इधर घटना की सूचना पुलिस पदाधिकारी के द्वारा सुल्तानगंज प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार को दी गई, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार अजय कुमार के यहां भारी संख्या में जांच पड़ताल के लिए टीम पहुंची। वहीं सरकारी अनाज को जब्त करते हुए नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदार चंदू मांझी के यहां भेज दिया गया। इसको लेकर प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि सरकारी अनाज अवैध रूप से वाहन में लाद कर बेचने के लिए ले जाने के क्रम में पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। साथ ही पदाधिकारी ने कहा कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार अजय कुमार के यहां जांच पड़ताल कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पुलिस पदाधिकारी और जवानों के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ एवं राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच के संयुक्त आह्वान पर विभागीय सेवा समायोजन के लिए चरणबद्ध आंदोलन के तहत मंगलवार को भागलपुर समाहरणालय परिसर में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जबकि यह सांकेतिक हड़ताल बुधवार को भी जारी रहेगा। इस दौरान बेलफोन के माध्यम से कार्यरत राज्य भर के प्रोग्रामर, आशुलिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉयज एंड गर्ल ने अपने अपने सेवा समायोजन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए राज्य सरकार से उन सभी के सेवा समायोजन की लंबित मांग को पूरा करने की मांग की। बता दें कि प्रदेश संघ के आह्वान पर किए गए हड़ताल को लेकर दो दिनों तक राज्य मुख्यालय समेत जिला और प्रखंड के किसी भी कार्यालय में बेल्ट्रोन के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी काम नहीं करेंगे, जबकि राज्य में कार्यरत ऐसे 25,000 बेल्ट्रोन कर्मी के एक साथ हड़ताल करने से कार्यालयों में भी कामकाज बाधित हुआ है। वहीं इसको लेकर संघ के भागलपुर इकाई अध्यक्ष सुमन भारती समेत धरना में शामिल कर्मियों ने कहा कि अगर दो दिन की हड़ताल के बाद भी सरकार उन सभी के विभागीय सेवा समायोजन की मांग पर ठोस सकारात्मक पहल नहीं करेगी तो बाध्य होकर संघ के आह्वान पर राज्य भर में बेल्ट्रोन के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मी आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। इधर धरना प्रदर्शन के दौरान भागलपुर जिले के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में कार्यरत बेल्ट्रोन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आशुलिपिक, IT बॉयज एंड गर्ल्स ने अपनी मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। मौके पर गौतम चौधरी, रंजीत रंजन, मोहम्मद अंजार, गोपाल कृष्ण झा, आशीष कुमार और गौरव कुमार झा समेत काफ़ी संख्या में जिले भर के अलग कार्यालयों में कार्यरत बेल्ट्रोन कर्मी मौजूद रहे। ये देखिए, हम लोग बेल्ट्रोन कर्मी हैं और हम लोग सेवा समायोजन को लेकर ये दो दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। इसके पूर्व में भी धरना का कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सरकार तक पता नहीं क्यों हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए हम लोग निरंतर धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी तो ये दो दिवसीय का धरना है, अगर सरकार अभी भी नहीं जागती है तो हम लोग आगे और भी कार्यक्रम करेंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल तक भी जाएंगे और हम लोग बृहद पैमाने पर इस कार्यक्रम करेंगे। डाक बंगला चौराहा को भी अगर जाम करना पड़ा तो हम लोग जाम करेंगे और हम लोग अब पीठ मजबूत कर लिए हैं कि हर हालत में सेवा समायोजन लेकर आएंगे, चाहे कुछ भी हो। उसके लिए हर एक तरह से हम लोग अब एकत्रित हो चुके हैं। हमारा बिहार के जो भी बेल्ट्रोन कर्मी है सब लोग हम लोग जाग चुके हैं। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में पहली बार चौबीस हबीब अकेडमी
के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सरमसपुर ग्राम पंचायत के पास टोटो पलटने से कई बच्चे घायल हो गए, जिसे आनंद फानन में वहां से उठाकर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं रफ्तार के कहर से एक बार फिर बड़ी घटना हो गई, जबकि लोदीपुर थाना क्षेत्र में अक्सर इस तरह की घटना होती रहती है, लेकिन बावजूद इसके वाहन चालक कोई सीख नहीं लेते हैं, जबकि कई बार ऐसी घटनाओं में लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं प्रशासन भी सख्ती करने के बजाय मूक दर्शक बनी रहती है, जिससे अक्सर इस मार्ग में हादसा देखने को मिलता है। भागलपुर उर्दू राबता कमेटी के तत्वाधान में उर्दू समन्वय समिति की त्रैमासिक परामर्शदात्री बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर साहिद रजमी ने की। बैठक के मुख्य अतिथि जेपी विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली, उर्दू राबता कमेटी के सचिव डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, डॉक्टर अरशद रजा समेत मजलिसे अमीला के सदस्यों और कई जिलों से कार्यक्रम में शामिल हुए उर्दू शुभचिंतक और बुद्धिजीवियों ने भी अपनी बात रखी। वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जौसर अयाग ने की, जबकि काव्य गोष्ठी के दौरान डॉक्टर अरशद रजा, फैयाज हुसैन और जफर यूसुफ समेत कई लोगों ने अपना कलाम पेश कर वहां मौजूद श्रोताओं और दर्शकों का मनोरंजन किया। इधर प्रोफेसर फारूक अली ने कहा कि भाषा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है, क्योंकि हिंदी हो या उर्दू, दोनों भाषाओं का आपसी तालमेल काफ़ी गहरा है। साथ ही कहा कि बच्चों को शुरुआती दौर में ही भाषा के अभ्यास पर जोर देना चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वहीं डॉक्टर साहिद रजमी ने उर्दू के इतिहास के साथ उर्दू के लोगों को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हुए कहा कि लोग उर्दू को अपने श्रवण का हिस्सा बनाएं और बचपन से ही उर्दू के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करने का प्रयास करें। थांगटा फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश ताना भगत इंडोर स्टेडियम में 29वीं नेशनल सब जूनियर और सीनियर थांगटा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार थांगटा की टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर खेल दिखाते हुए कुल 11 पदक अपनी झोली में डाला। रांची के खेलगांव में आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 7 कांस्य पदक पर कब्जा जमाया, जिसमें पूर्वी चंपारण के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता, जबकि पटना के खिलाड़ियों ने 2 रजत एवं 2 कांस्य पदक अपनी झोली में डाला। इसके अलावा भागलपुर के खिलाड़ियों को 1 रजत एवं 3 कांस्य पदक हासिल हुआ, जबकि 1 कांस्य पदक लखीसराय के खिलाड़ी को मिला है। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि बिहार थांगटा टीम की सफलता और इन सभी खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को लेकर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक IPS रविंद्र शंकरन और बिहार थांगटा संघ के अधिकारियों ने अपनी ओर से बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। साथ ही IPS रविंद्र शंकरन ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए हर संभव सहयोग करने की बात कही। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देर शाम उत्तरवाहिनी गंगा तट पर बनारस की तर्ज पर गंगा महारती का आयोजन किया गया। इस दौरान पंडितों के द्वारा बनारस की तर्ज पर गंगा महारती और देव दीपावली का त्यौहार मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और माँ गंगा की आराधना की। कार्यक्रम की शुरुआत गंगा पूजन से की गई, जिसके बाद स्थानीय पंडित के द्वारा गंगा महारती करते हुए वहाँ मौजूद भक्तों के बीच प्रसाद वितरण कर देव दीपावली मनाई गई। इस दौरान गंगा तट दीपों की रोशनी से जगमग हो गया। भागलपुर सुल्तानगंज कररिया पंचायत के दिग्घी गांव महादली टोला में कृषि विभाग के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि समन्वयक अनुपम ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को दी, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान KCC किसानों को रबी मौसम में गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों का बीज
अनुदानित दर पर लेने के अलावा कई योजनाएं शामिल रही। वहीं कार्यक्रम में आत्मा की प्रखंड सहायक तकनीकी प्रबंधक इति कुमारी के द्वारा समूह निर्माण, बकरी पालन, गौ पालन, मशरूम उत्पादन समेत कई बातों की विस्तृत जानकारी किसानों को दी गई। मौके पर किसान सलाहकार गुंजन कुमार, पंचायत प्रतिनिधि सहित काफी संख्या में किसान मौजूद थे।